बेटा, आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे। अमन गुड आफ्टरनून दा आशीष, गुड आफ्टरनून भूमिका हर्षिता, गुड आफ्टरनून दा अंकित, गुड आफ्टरनून मुस्कान, जयंत, अलका, आरुषि बेटा गुड आफ्टरनून, शाहिल गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे बेटा? आई एम फाइन बेटा, ठीक है, फाइन है तभी तो आपके सामने है। क्यों बेटा फाइन है तभी तो बेटा आपके सामने है। चलो बेटा, स्टडी कैसी चल रही है इतनी अच्छे से चल रही है बेटा? हम सभी अच्छे रहेंगे अगर बेटा अपनी स्टडी प्रॉपर अच्छे से चलती रहेगी तो। अपना टॉपिक चल रहा था बेटा पॉपुलेशन, लास्ट जो अपना बेटा टॉपिक चल रहा था बेटा पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में बेटा अपना चल रहा था पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा पॉपुलेशन पिरामिड में? ओके बेटा, एक पॉपुलेशन पिरामिड बनाता हूँ, उससे के बाद में आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूँ बेटा, तब पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है बेटा, बनाए पिरामिड? ओके, इस टाइप से, ठीक है? भूमिका बेटा पूछ रही है, सर आपने कल क्वेश्चन पूछा था ना, मुझे ध्यान, ठीक है, मुझे क्वेश्चन भी ध्यान है। मैं पहले एक बार अपने टॉपिक को क्लियर कर दूं, उसके बाद कल वाले अपने क्वेश्चन पे आऊं, ठीक है बेटा? चलो बेटा, अब जब बेटा आप इस पिरामिड को आप स्टडी कर दो बेटा, इस पिरामिड को बेटा पॉपुलेशन पिरामिड को जब हम स्टडी करते हैं बेटा, तो बेटा क्लियर इस पिरामिड को देखते ही सबसे पहली चीज तो अपने को बेटा ये क्लियर हो जाएगी कि 0 to 6 बेटा, 0 to 6 में अपनी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बेटा, देश में सबसे ज्यादा जो बेटा अपने पॉपुलेशन का ग्रुप है वो कौन सा बेटा, 0 to 6 में सबसे ज्यादा बेटा, ठीक है? अगर मान लो यह बेटा यह ऐसे होगा, अगर मान लो बेटा ये पिरामिड ऐसे होता तो बेटा अपन कह सकते थे कि भारत के पास सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है 16 to 14 है बेटा, 16 to 14 है बेटा, ठीक है? तो फर्स्ट चीज क्या बेटा कि जो आपके डिजिट्स होता बेटा, डिजिट्स को रटना क्यों बेटा वो बहुत डिफिकल्ट होता बेटा,
डिजिट्स को रटना तब बहुत डिफिकल्ट होता है, उनका क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, फिर उनको समझना, फिर समझ के बेटा उनको याद रखना, कितने का अपन याद रख पाएंगे बेटा। और यहाँ पे जो मैंने आपको बेटा शॉर्ट बनाया, ये जो आपका बेटा जो आपका पिरामिड है बेटा, मैंने तो शॉर्ट बनाया, लेकिन जब आप ओरिजिनल पिरामिड देखते हो तो गैप होता है तीन तीन साल का, ठीक है। अब आप तीन तीन साल के हिसाब से अगर 60 साल तक का डिवीजन करो बेटा तो 21 सेक्शन हो गए। 21 सेक्शंस में मेल्स को याद कीजिए, फीमेल्स की डिजिट याद कीजिए बेटा, टफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा? टफ होगा बेटा, इजी होगा, टफ होगा ना। और एक बेटा अपने पास डायग्राम है, तो डायग्राम देख करके अपन बता सकते बेटा कि सबसे कम एज ग्रुप कौन सी बेटा, अबो 60 इयर्स, यानी भारत के पास वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा बेटा, भारत के पास बेटा बाल वर्ग है उसकी संख्या अधिक है, वृद्ध लोगों की संख्या सबसे कम है। तो पिरामिड क्या होता है बेटा, एक आलेखीय होता है, ठीक है, पिरामिड क्या होता है, आलेखीय विवरण होता है, जिससे आप इजीली किसी भी स्थान की, किसी भी देश की बेटा जनसंख्या को एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और यह बेटा तीन चीजों में डिवाइड होता है, देखिए ये बताता भी केवल तीन ही जानकारी है, कुल जनसंख्या नहीं बताएगा। ध्यान रखना बेटा, जो आपके पॉपुलेशन पिरामिड है ये कभी भी किसी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन नहीं बताएगा। ये क्या क्या बताता बेटा, एक तो बताता है मेल्स पुरुष कितने हैं, फीमेल्स महिलाएं कितनी हैं, और एज ग्रुप कौन से एज ग्रुप में कितने कितने हैं, ठीक बेटा, कौन से एज ग्रुप में मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितने बेटा, ये बताता है। यहां तक क्लियर होगा बेटा? चलो अब आता है बेटा कल वाले सवाल पे, कल वाले क्वेश्चन पर बेटा, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द विलेज एंड सिटी। चलो किस किस ने बेटा कोशिश की इस क्वेश्चन को करने की, भूमिका की तरफ से आया, सिटी में भी पोल्यूशन एंड विलेज में भी फ्री पोल्यूशन, कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन अगर बेटा कोई सिटी है जो पोल्यूशन फ्री है, अगर मान लो बेटा कोई सिटी है जो पोल्यूशन फ्री है, गांव कह दो क्या उसे, और अगर बेटा किसी गांव में पोल्यूशन है, किसी भी गांव में बेटा ईंट के दो भट्टे लगा दो, ब्रिक्स इंडस्ट्री लगा दो, वो तो काफी पोल्यूशन वाला हो जाएगा। अगर बेटा अपन ईंट भट्टे लगा देते हैं किसी भी गांव के अंदर रूरल एरिया में, तो वहां पर तो बेटा पोल्यूशन काफी बढ़ जाएगा, फिर अपन उसको सिटी कह देंगे? ये तो बेटा नॉट राइट। और किसी की तरफ से बेटा कोई आंसर, अगर आप अपनी नोटबुक में शो करना चाहते हो कर सकते हो बेटा, अगर आपने किया है तो। नहीं किया बेटा, क्या बेटा आप इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हो, है ना बेटा, सबका बाबा है, एक ही बाबा है बेटा, सब कुछ बताता है गूगल बाबा, उससे पूछ नहीं सकते थे बेटा, उससे तो पूछ सकते थे बेटा हम, वो सब कुछ बताता है, बस एक चीज नहीं बताता है क्या खाने का प्रोग्राम कहां कहां है, ठीक है, यानी भंडारे कहां कहां पे लगे हुए हैं, ये नहीं बताता और सब कुछ बताता बेटा। ध्यान दे बेटा, पॉपुलेशन एक फैक्टर हो सकता है जब आप गांव और शहर को डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेट करते हैं, तो पॉपुलेशन का एक फैक्टर हो सकता है। अमन कहते हैं बेटा बेटर फैसिलिटीज इन सिटीज, नॉट बेटर फैसिलिटीज इन विलेज, वाह भाई वाह, कौन सी फैसिलिटीज नहीं मिली गांव में, पैसा होना चाहिए बेटा, पानी नहीं आता बोरिंग कराओ, लाइट नहीं आती इन्वर्टर लगाइए, ठीक है, इन्वर्टर पे भी भरोसा नहीं, जनरेटर लगाइए बेटा, फिर भी लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है,
सोलर प्लेट और लगा लो, लाइट सिटी में चली जाएगी, गांव में नहीं जाएगी बेटा। ध्यान देना ये बेटा जो आप दे रहे हो आपने एक्चुअल बातें स्टडी तो आपने की नहीं, ठीक है। इस चीज को तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमने ट्राई नहीं की बेटा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ट्राई नहीं कर रही अब मारे तुक्के बेटा, इट्स नॉट फेयर। देखो बेटा अक्सर क्या होता है कि अपन फैसिलिटीज वगैरह पे जो अपन बेस करते हैं ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो आप आंसर दे रहे हो फैसिलिटी गांव में नहीं है, ठीक है, या फैसिलिटी केवल सिटीज में मिलती है। सिटी से रिलेटेड जो गांव है, सिटी से टच में जो गांव बेटा, वहां पे तो आपको टोटल फैसिलिटी मिलेगी। सिटी से जो जस्ट टच में गांव बेटा वहां पे तो आपको टोटल फैसिलिटी मिलेगी। मैं तो खुद बेटा गांव में रहता हूँ, मैं तो खुद गांव में रहता हूँ और काफी अच्छी फैसिलिटीज है बेटा, कोटपुतली गांव में बेटा, ठीक है, कोटपुतली क्या बेटा गांव ही है। और एक्चुअल में कोटपुतली जैसा कोई गांव शहर है ही नहीं। अगर आप अजमेर जाकर के ऑन रिकॉर्ड बात करें बेटा तो ऑन रिकॉर्ड तो कोटपुतली जैसा कोई गांव है ही नहीं। तो मैं तो बेटा गांव में भी नहीं रहता, शहर में भी नहीं रहता, ठीक है बेटा। ध्यान देना सबसे बेस्ट जो तरीका होता है गांव और सिटी में डिफरेंस करने का बेटा, सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है ऑक्यूपेशन। सिटीज और रूरल्स के अंदर बेटा डिफरेंस करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है वो है ऑक्यूपेशन। 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन। और 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन सेकेंडरी टेरिटरी ऑक्यूपेशन का। तो 75% जो पॉपुलेशन है आपका भूमि का, देखिए बेटा अगर किसी स्थान की बेटा, अगर किसी स्थान की 75% पॉपुलेशन या मोर देन 75% पॉपुलेशन 75% या उससे अधिक जनसंख्या क्या कर रही है बेटा, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन कर रही है, देन दिस पैलेस इज विलेज। और कोई डेफिनेशन नहीं बेटा गांव और शहर में अंतर करने की बेटा, और कोई डेफिनेशन नहीं होती। अल्फा कहती है कि कमेंटमेंट करने में टाइम लगता है, टाइम तो लगता है, ठीक है बच्चे इंटेलिजेंट ना बनो ज्यादा, ठीक है। इधर ध्यान देना अगर किसी भी स्थान की, अगर बेटा किसी भी स्थान की 75% पॉपुलेशन या मोर देन 75% पॉपुलेशन कौन सा ऑक्यूपेशन करती है बेटा, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस कर रही है, देन दिस पैलेस इज नोन एज विलेज। और अगर बेटा किसी भी स्थान की 75 या मोर देन 75 पॉपुलेशन बेटा सेकेंडरी और टर्शियरी ऑक्यूपेशंस कर रही बेटा, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय करती है, देन इज सिटी। और सब आपके रीजंस बेटा फेल है, ठीक है। और सब रीजंस क्या बेटा फेल है। इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है
इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है ना, अंतरराष्ट्रीय, जिसे अमेरिका भी मानता है, जिसे ब्रिटेन भी मानता है, ऑस्ट्रेलिया भी मानता है, इंडिया भी मानता है, ये रहेगा गांव शहर की परिभाषा। और सारी चीजें हो सकती है बेटा, देखो पॉल्यूशन गांव में भी हो सकता है और पॉल्यूशन फ्री बेटा सिटी भी हो सकता है, ठीक है। पॉल्यूशन तो बेटा गांव में भी हो सकता है, पॉल्यूशन फ्री सिटी भी हो सकते हैं, गांव में भी फैसिलिटी हो सकती है और सिटी में भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई फैसिलिटी नहीं बेटा, ठीक है। पॉपुलेशन बेटा गांव में भी हो सकती है और पॉपुलेशन में ऐसे शहर भी हो सकते हैं जहां पे आपके वार्ड के बराबर भी लोग नहीं रहते। डेनमार्क स्पेन, ठीक है बेटा, डेनमार्क एक देश है बेटा जहां पे अगर 200 व्यक्ति एक किलोमीटर में रहते हैं, 200 पीपल्स लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, देन इट वाज सिटी, ठीक है। अगर बेटा 200 व्यक्ति भी एक किलोमीटर में रहते हैं तो उसको क्या मानते हैं बेटा, शहर मानते हैं, ठीक है। अपने यहां पर 200 आदमी तो अगर किसी बड़े से घर में चले जाओ तो एक ही जगह मिल जाएंगे, और बड़े शहरों में तो बेटा अपार्टमेंट मिलेंगे वहां पर मिल जाएंगे बेटा आपको, ठीक है। घर घर में एक शहर मिलेगा और अगर एक पूरे मोहल्ले को जोड़ दो तो महानगर मिल जाएगा बेटा, ठीक है, मेगा सिटी मिल जाएगी। तो वहां की कंडीशन अलग होता है, तो पॉपुलेशन को अपन बेस नहीं मान सकते। पॉपुलेशन को यदि आप बेस मानते हो, पॉपुलेशन को बेटा अगर आप बेस मानते हो कि साहब जनसंख्या के आधार पर शहर किसे कहें, तो उसके लिए बेटा देखें गांव की परिभाषा और शहर की परिभाषा, इंटरनेशनल परिभाषा, ये दोनों बेटा समझ में आ गए, दोनों सर डेफिनेशन बेटा दोनों क्लियर है बेटा। चलिए अब मैं बताता हूं बेटा कि शहर भारत में किसे कह सकते हैं, ठीक बेटा, सिटी भारत में और किस किस को कह सकते हैं बेटा। अगर किसी स्थान की पॉपुलेशन, किसी स्थान की बेटा पॉपुलेशन है 5000 प्लस डेंसिटी है 400, तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा, सिटी कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा बेटा, सिटी कहलाएगा, ठीक है। अगर किसी स्थान की जनसंख्या, ठीक है, जैसे चाहे वो गांव है बेटा, ठीक है, कम से कम लोग कितने रहते हो वहां पे, 5000, कम से कम लोग बेटा कितने रहते हो, 5000, 5000 लोग रहते हो, प्लस उस जगह का डेंसिटी घनत्व होना चाहिए 400, ठीक है, प्लस डेंसिटी कितना बेटा वहां पे 400, ये दो चीजें अगर कहीं मिलती है बेटा, ये दो चीजें अगर कहीं मिलती है तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा, सिटी कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा बेटा, सिटी कहलाएगा, ठीक है। अब वहां पे फैसिलिटी है नहीं है, वो काम गवर्नमेंट का है बेटा, ठीक है, पॉल्यूशन है नहीं है, फैसिलिटी है नहीं है, हॉस्पिटल है नहीं है, छोड़ो बेटा, थर्ड जो तरीका बेटा भारत में सिटी कहलवाने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, दो आपके बेटा समझ में आए बेटा। पहला तरीका बेटा 75% आबादी सेकेंडरी और टर्शियरी ऑक्यूपेशंस में हो, दूसरा बेटा पॉपुलेशन 5000 प्लस डेंसिटी बेटा 400 हो, थर्ड जो तरीका था DECLEARED डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अगर किसी जगह को सरकार ही नगर घोषित कर दे, ठीक है, अगर किसी जगह को बेटा गवर्नमेंट ही सिटी डिक्लेयर कर दे तो भाई उससे भी सिटी ही माना जाएगा, ठीक है बेटा, फिर चाहे वहां पे ठाणे कितनी भी पॉपुलेशन नहीं रहती हो, ठीक है, छोटे गांव कितने भी लोग नहीं रहते हो, चाहे डेंसिटी हो या नहीं हो, लेकिन सरकार अगर किसी को डिक्लेयर कर देती है कि आज के बाद में, ठीक है बेटा, आपके नजदीकी गांव कौन सा बेटा, अपने स्कूल वाले को ले लेते बेटा, कि आज के बाद में किराड़ो बेटा, ठीक है,
गांव नहीं कहलाएगा, शहर कहलाएगा। किसने घोषणा कर दी बेटा? स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी कि आज से बेटा किराड़ा क्या होगा बेटा? शहर कहलाएगा। तो भाई बन गया अपना गांव भी शहर, ठीक है ना? गांव भी क्या बन गया था? शहर। ये तीन तरीके का जिनके द्वारा सिटी डिक्लेयर हो सकते हैं या अपन बता सकते बेटा तेज शहर है या गांव है। इंटरनेशनल लेवल पे केवल दो तरीके बेटा, इंटरनेशनल लेवल पे बेटा जो अंतरराष्ट्रीय डेफिनेशन है वो तो बेटा ये दो ही है, ठीक है? ऑक्यूपेशन से क्लासिफिकेशन किया जाता है सिटीज का और बेटा विलेज का। सेकंड जो तरीका है बेटा, सेकंड तरीका ये आपके 5000 पॉपुलेशन और प्लस डेंसिटी कितना होता 400, तो भी वो क्या कहलाएगा बेटा? सिटी कहलाएगा। अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, किसी भी स्थान को बेटा गवर्नमेंट यदि डिक्लेयर कर देती है, गवर्नमेंट क्या कर देती है बेटा? उसे डिक्लेयर कर देती है कि भाई आज के बाद में ये जगह क्या कहलाएगी बेटा? सिटी के नाम से जानी जाएगी। सरकार उसको शहर घोषित कर देती है तब भी उसको बेटा सिटी माना जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर है अभी? डेंसिटी मीन्स होता है बेटा, डेंसिटी मीन्स होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 square kilometer एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या डेंसिटी कहलाती है। 1 square kilometer में रहने वाले लोगों की संख्या बेटा डेंसिटी कहलाती है, ठीक है बेटा? राइट हो गया? राइट करना बेटा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, बाद में आपको लगे कि राइट करना है तो राइट कर लेना, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है? बहुत अच्छी जानकारी बेटा, आपको हर जगह नहीं मिलेगी ये जानकारी, ठीक है बेटा? चलो बेटा जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। अंकित फट से बेटा, अंकित यादव बेटा कैसे इंडिविजुअल बना है, मिस्टर इंडिया बना है अंकित यादव? जब से क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है, तब से बेटा मिस्टर इंडिया बना है। ऐ दृश्य है दिखाई नहीं देता बेटा, किसी भी स्थान का या किसी भी देश, किसी भी स्थान या किसी भी देश के बेटा
जब आप केवल दो फैक्टर्स को एनालिसिस करते हो, जब बेटा आप किसी भी स्थान या किसी भी देश की जनसंख्या के केवल दो फैक्टर्स को एनालिसिस करते हो, डेथ रेट एंड बर्थ रेट, बेटा कि भाई 10 साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, 10 साल में बेटा कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो जन्म और मृत्यु बेटा यानी डेथ और बर्थ ये दोनों ही क्या बेटा नेचुरल है, ठीक है, डेथ भी नेचुरल है और बर्थ भी बेटा नेचुरल है, ठीक है, जन्म और मृत्यु दोनों क्या बेटा प्राकृतिक है, अपन चाह करके किसी को मार भी नहीं सकते और अपने चाहने से बेटा किसी के संतान भी जन्म ले सकते बेटा, ठीक है, अगर अपने चाहने से लोग मरते बेटा तो अपने दुश्मन तो कोई होते ही नहीं, ठीक है, जो भी ऐसे अपने को उंगली कर देता अपन भगवान से तुरंत कहते उठाओ इसको यहां से, ठीक है, ऊपर शिफ्ट कर दो, और अगर अपन बेटा किसी को कुछ बोल देते तो उसकी भी तो विश पूरी होती ना बेटा, इट मींस पृथ्वी तो ह्यूमनलेस होती बेटा, ठीक है, पृथ्वी तो क्या होती बेटा ह्यूमनलेस होती, तो अपने चाहने से बेटा ना तो जन्म हो सकते हैं ना बेटा मृत्यु हो सकती है, ये दोनों क्या बेटा नेचुरल है प्राकृतिक है, दोनों ही क्या है नेचुरल है प्राकृतिक है, इसलिए जब जन्म दर और मृत्यु दर से जन्म दर और मृत्यु दर से बेटा किसी देश की जनसंख्या वृद्धि का पता लगाया जाता है कि भाई कुल इतने जन्म हुए इतनी मृत्यु हुई, तो बेटा पॉपुलेशन में ये चेंजेस हुए जनसंख्या वृद्धि में बेटा ये परिवर्तन आए उसे कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, उसे क्या कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, क्लियर बेटा, क्लियर, यदि किसी स्थान की ओनली ध्यान रखना ओनली डेथ रेट और बर्थ रेट का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, केवल बेटा जन्म दर और मृत्यु दर को कैलकुलेट किया जाता है तो बेटा उसे नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है, नोट बेटा द डिफरेंस बिटवीन द पलश बाथ एंड एंड माइग्रेशन द डिफरेंस बिटवीन बेटा डेथ बर्थ एंड माइग्रेशन कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड बेटा देन चेंज इन पॉपुलेशन नॉन एज एक्चुअल ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट जब बेटा देखिए आपके नेचुरल में दो चीजें बेटा काउंट होती हैं और आपके बेटा एक्चुअल जो ग्रोथ रेट बेटा एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है उसमें काउंटिंग होनी है तीन चीजें डेथ बर्थ एंड माइग्रेशन डेथ बर्थ
एंड माइग्रेशन का। जब किसी भी स्थान की पॉपुलेशन की बेटा तीनों चीजों को कैलकुलेट किया जाता है कि भाई 10 साल में इतने बच्चों का जन्म हुआ, 10 साल में इतने लोग बेटा भारत में पैदा हुए, 10 साल में बेटा भारत में इतने बच्चों का जन्म हुआ, 10 साल में भारत में बेटा इतने लोगों की मृत्यु हुई, 10 साल में दूसरे देशों से भारत में इतने लोग आए, और 10 इन 10 वर्षों में बेटा भारत को छोड़ करके भारत के निवासी किसी दूसरे देश में गए। जब इन चीजों को बेटा कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, जब इन चीजों को कैलकुलेट किया जाता है और जो जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन चेंजेस आते हैं बेटा, उसे कहा जाता है एक्चुअल ग्रोथ रेट। उसे क्या कहा जाता है? एक्चुअल ग्रोथ रेट कहा जाता है, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। यह तो कौन सी है भाई? प्राकृतिक। यह तो कौन सी बेटा? प्राकृतिक। जनसंख्या वृद्धि और ये है बेटा आपके वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। क्लियर है बेटा? मुस्कान बेटा क्लियर? अलका बेटा चेक योर नेटवर्क सेटिंग, बेटा चेक योर नेटवर्क। ओके बेटा, एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल्स देखें बेटा। चलो बेटा, मान लो आपके ए परिवार है, ए नाम से कोई फैमिली है, ठीक है, ए परिवार है बेटा, ए नाम से फैमिली है। 2001 में इस परिवार की जो पॉपुलेशन थी बेटा वो थे 10, ठीक है। 2001 में इस परिवार की पॉपुलेशन, इस परिवार की संख्या थी बेटा 10। 2011 11 जो आपके बेटा 10 साल हो गए बेटा, इस 10 साल के टाइम पीरियड में इस परिवार में क्या क्या चेंज आए बेटा? एक परिवार में क्या क्या चेंज हो सकते हैं, ठीक है बेटा, एक परिवार में क्या क्या चेंज हो सकते हैं,